इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री नागराज सगरी की पुण्य स्मृति में श्रीमती शोभा नागराज सगरी 32 शेषाद्री रोड आनंदाराव सर्कल बेंगलुरु पुत्री एवं दामाद सौभाग्यवती रेखा मोहन कुमार वनकुद्रे श्री मोहन कुमार वनकुद्रे पौत्री कुमारी निकिता मोहन वनकुद्रे पौत्री एवं दामाद सौभाग्यवती रचिता श्री करण पाटिल पुत्री एवं दामाद सौभाग्यवती प्रतिभा सदन श्री सदन कुमार पौत्री अर्घ्या सदन पौत्र आगम सदन बेंगलुरु पुत्री एवं दामाद सौभाग्यवती सची देवी रवि कड़बी श्री रवि कड़बी पौत्र माहिन रवि कड़बी पौत्री मनस्वी रवि कड़बी बेंगलुरु कियारा करण पाटिल अपनी भवितव्यता को साकार बनाने हेतु अपनी मनोयोग को वचन योग को और काय योग को बिल्कुल शांत बनाएं। शांत, कोई आएंगे नहीं, जाएंगे नहीं, उठेंगे नहीं, बैठेंगे नहीं, शांत, बिल्कुल शांत। जल्दी प्रवचन सुनने से पहले ये करना चाहिए। हाथ जोड़ें, पवित्र भावना के साथ ही, शुभ योग के साथ ही, परमात्मा का स्मरण करते हुए, नमन करते हुए, हे प्रभु, आत्म कल्याण के इस रास्ते में 2 घंटे के लिए कोई भी विघ्न उपस्थित न हो जाए, ऐसी भावना भाव प्रार्थना करो। हे भगवान, 2 घंटे के लिए मेरे शुभ योग से मैं निवेदन करने का फल प्राप्त कर सकूं, मेरे आत्म कल्याण के रास्ते पर कोई विघ्न बाधाएं 2 घंटे के लिए उपस्थित ना हो। हाथ जोड़ें, परम परमात्मा का गुणस्थवन हम पवित्र भावना से करेंगे, शुद्ध भावना से करेंगे। शांत, शांत, शांत। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवीतरागाय सर्वज्ञाय नमो स्तुते। हितोपदेशिने तुभ्यं नमोस्तु परमात्मने। नमोस्तु परमात्मने। पंच परमिष्टि भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि महाराज की, आचार्य प्रवर श्री समय सागर मुनि महाराज की जय हो। आज के अंतिम उत्तम क्षमा
ब्रह्मचर्य धर्म की जय हो। स्वपर कल्याण करता दाता निर्यापक्ष मन गुरु श्री नियम सागर जी महामुनि राज की मुनि संघ की नमो सूर्य। आज का प्रसंग अंतिम प्रसंग है। अंतिम प्रसंग के माध्यम से भी हमारी आत्मा कहीं लाभान्वित होकर आत्म शांति के कार्य को यदि पूर्ण कर सकने की योग्यता रखता हो तो इतना भी पर्याप्त है, इतना भी पर्याप्त है। जिनवाणी का एक शब्द भी एक क्षमता रखता है भव्यात्मा को मोक्ष मार्ग पर लगाकर वह निमित्त बनकर आपका हितैषी बनकर आपको भगवान बनाने की क्षमता रखता है। इसलिए शब्दों को भी शब्द ब्रह्म कहा, ब्रह्म कहा, क्योंकि उस शब्द में ब्रह्म आत्मा को ब्रह्म अवस्था को प्राप्त करा के वो अलग हो सकता है, निमित्त बन सकता है। हमको उत्तम ब्रह्मचर्य को लाभान्वित करा करके अलग हो सकता है, लेकिन वह आपके साथ यात्रा नहीं कर सकेगा, मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकेगा। शब्द ब्रह्म तो है लेकिन स्वयं ब्रह्मा नहीं बन सकता, परमात्मा नहीं बन सकता, भगवान नहीं बन सकता। किंतु अपनी शक्ति के द्वारा हर आत्मा को परमात्मा बनाने की क्षमता रखता है, माध्यम है, सहारा है। शब्द 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 चाहे कोई भी हो, शुभ हो अशुभ हो, शब्द शब्द हैं, शुभ हो अशुभ हो। ब्रह्मा तो हमको बनना पड़ेगा, शब्द नहीं बनेगा। शब्द चाहे शुभ हो, शब्द चाहे अशुभ हो, अशुभ शब्द के सहारे से भी यह आत्मा संसार से पार हो चुका है। कई आत्माएं अशुभ शब्दों के माध्यम से भी परमात्म दशा को प्राप्त कर गए। उनको वे शब्द कभी प्रभावित नहीं कर पाए। शब्द अशुभ भले ही हो, अशुभ का अर्थ दे रहे हों, लेकिन आत्मा के भीतर यह योग्यता हो, यह सामर्थ्य हो, यह सामर्थ्य ऐसा सामर्थ्य जो समर्थ हो अशुभ को भी शुभ बनाकर वह अपने आप में स्थित हो सकता हो। विगत काल में जितने भी भव्य आत्माएं हुई हैं अशुभ वचनों को सुनकर के भी निर्वाण को प्राप्त कर चुके हैं, शुभ वचनों को सुनकर के भी
निर्वाण को प्राप्त कर चुके हैं। शब्द किसी भी प्रकार का हो उसमें यह सामर्थ्य होता है, हमको तो वो केवल जगाने आता है। शुभ शब्द भी जगाने आते हैं तो अशुभ शब्द भी जगाने आते हैं। शब्द हमारी परीक्षा करते हैं कि अशुभ से इसको निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है क्या नहीं, थोड़ा सा इंटरव्यू ले ले। अपने आप में ये सावधान है कि नहीं, ये इंटरव्यू अशुभ शब्द लेंगे कि अशुभ शब्द लेंगे। आपकी इंटरव्यू तो प्रति समय लेते ही रहते हैं और घर में तो सदा यही माहौल रहता है, अच्छा बोलने वाला कोई एक भी नहीं मेरे साथ। उधर से एक व्यक्ति आता है वो भी सताता है, इधर से आता है ये भी सताता है, कुछ भी बोलता है मेरे ऊपर से, आप दुखी रहते हैं, दुखी होते हैं। शब्द इंटरव्यू लेने आया था और आप अपने आप में सावधान नहीं थे तो आपने तो पेपर लिख दिया और शब्द को भेज दिया, मैं फेल हूं, असमर्थ हूं, तुम चले जाओ। और इसलिए हमको अपने शील में सदा जागृत रहना आवश्यक। शील का ही अर्थ होता है उत्तम ब्रह्मचर्य, इसका विराट अर्थ है। बहुत बड़ा फिल्टर्ड और निर्दोष अर्थ ये शील शब्द के भीतर है। शील का अर्थ होता है तुम अपने स्वभाव का जीवन जीना सीखो। दुनिया में तुमको रुलाने वाले निमित्त भी मिलेंगे, हंसाने वाले भी निमित्त मिलेंगे। निमित्तों से प्रभावित हो जाओगे, कुशील का जीवन स्वीकार करोगे और प्रभावित न हो करके अपने में दत्तचित्त रहोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उस परिस्थिति में जीवोगे तो आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इसी का नाम उत्तम ब्रह्मचर्य है। यह आत्मा रागादि भावों को जीत चुका होता है और इंटरव्यू दे दे करके अपने को समर्थ बनाया हुआ होता है। आपको कुछ नहीं करना है, समता का जीवन जीना है। समता सुशील का जीवन है और विषमता कुशील का जीवन है। समता की सिद्धि होना बहुत जरूरी है। समता की सिद्धि हो गई, विषमता नष्ट होती है, वो पुनः उदित नहीं हो सकती है, उदित होकर आपको दुखी नहीं कर सकती है। समता की आराधना में प्रति सेकंद, प्रति समय, प्रति पल सावधान होकर के जीने का नाम उत्तम ब्रह्मचर्य है। सावधान हो जाओ और आत्मा के भीतर जो कुशील वृत्ति है, कुशील परिणाम है, उन परिणामों को एक शब्द दिया जाए उसके परिचय के लिए, तो जो शब्द हमारे लिए कुशील बना सकते हों उसको हम कुशील कहते हैं।
हमने नाम रखा, कुशील सुशील शुभ शब्द अशुभ शब्द हमने नामकरण किया है। क्यों किया? ये शब्द मेरे लिए बिगाड़ने का कारण है और इससे मैं बिगड़ गया। जरा देख लो, बारीकी से विचार करके देख लो, शब्दों ने हमको बिगाड़ा या हम अपने उपादान की कमजोरी के कारण से हम बिगड़ गए? अशुभ शब्द कानों में सुनाई दिया, शब्द तो आएंगे, वो कहाँ जाएंगे? और रास्ता भी आपके कान ही हैं, कानों में आएंगे। क्या कुशील को लेकर के आए हैं? नहीं। क्या सुशील को लेकर के आए हैं? नहीं। शब्द शब्द हैं, शब्द न तो कुशील रूप होता है न सुशील रूप होता है। शब्द सब जगह भ्रमण करेंगे, परमात्मा के कानों में भी जाएंगे, आपके कानों में जाएंगे। इस संसार में जितने जीव राशि है उनके कानों से प्रवेश करके इधर से आए और उधर से चले गए, चलता रहेगा। आए चले गए, और जब आए मैं प्रभावित हो गया, मैं उनको जानने लगा, पहचानने लगा और पकड़ करके ये आए और मुझे बिगाड़ करके चले गए। ये बिगाड़ने वाले शब्द हैं, ऐसा नामकरण तुम्हारे आत्मा के भीतर बैठा ब्रह्मा है ना, उन्हीं ने तो नामकरण कर दिया। किसने नाम रखा? अशुभ। आपने नाम रखा। ये शब्द ठीक नहीं थे, ऐसा कहकर शब्दों के माते पर टीका किसने लगा दिया? हमने लगाया। तो उस टीका को हटाओ, फिर देख लो, ये शब्द आया, मैं प्रभावित नहीं हुआ, मैं समता में था, ये शब्द आया मुझे बिगाड़ नहीं सका, मैं मेरे में रहा और शब्द आया और निकल गया, जैसे परमात्मा के कानों में आकर निकल जाते थे, मेरे भी कानों में आकर के शब्द चले गए। मैं तो अपने में था, शब्द आए और चले गए, मेरी समता को बिगाड़ नहीं सके। मैं बिगड़ता हूँ तो कुशील हो जाऊँगा, मैं अपने आप में रहता हूँ मैं सुशील रहूँगा, मैं बिगड़ता हूँ तो मेरा ब्रह्मचर्य महाव्रत खंडित होगा, मैं नहीं बिगाड़ता हूँ, बिगड़ता हूँ तो खंडित नहीं होगा। न चेतन वस्तु हमारे लिए बिगाड़ सकती है और न ही अचेतन वस्तु मेरे लिए बिगाड़ सकती है। बिगाड़ने की क्षमता इस दुनिया में किसी के पास नहीं है। मैं भगवान हूँ, भगवान मुझे कौन बिगाड़ सकता है? ऐसी समता की अनुभूति तो कर लो, ऐसा प्रयत्न पुरुषार्थ तो कर लो। तुम कुशील हो, बातों बातों में बिगड़ते हो, तुम्हारी वंदना पूजा कौन करेगा? तुम समझ में आते हैं दुनिया को? दुनिया कहती है हम तो परमात्मा के पूजक हैं,
हम समता के पुजारी हैं, विषमता के पुजारी नहीं हैं। विषमता कुशील है, समता सुशील है, समता धारियों के पूजक हम हैं। आज वह विषय देना पड़ रहा है जो केवल 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 फिल्टर्ड है। आज मिट्टी का तेल नहीं दे रहा हूँ, फिल्टर्ड पेट्रोल, वह भी जो विमान में आकाश में चलने वाले विमान को जो पेट्रोल चाहिए उस पेट्रोल को आपकी गाड़ी में भर रहा हूँ, भरने का काम करता हूँ मैं। परंतु तुम्हारे वह आकाशयान विमान उड़ेगा या नहीं उड़ेगा, तुम उड़ा पाओगे या नहीं उड़ा पाओगे, वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैंने पेट्रोल भर दिया और ये पेट्रोल भी शब्द का ही काम कर रहे हैं। कानों तक जा रहे कि नहीं जा रहे? जा रहे हैं। ये शब्द शुभ हैं क्या अशुभ हैं? शुभ हैं। फिल्टर्ड हैं क्या मिट्टी का तेल मिक्स है? मैं मिक्स तेल कभी नहीं भरता, मेरा काम भी नहीं है। मैं देऊंगा तो फिल्टर्ड पेट्रोल ही बेचूंगा। मेरे पेट्रोल पंप पर तुम आओ और मैं मिक्स माल बेचूं, बड़ा अपराधी होऊंगा, मैं कुशील बन जाऊंगा। मेरे पास देने के लिए भी वह मिक्सिंग माल नहीं है। मुझे जो भगवान ने दिया है, कुंद कुंद भगवंत ने दिया है, वही है केवल। मैं मिक्स माल भेजने में इंटरेस्ट नहीं रखता, लेकिन लोभ और आशा के वशीभूत होकर उसमें मिट्टी का तेल जरा सा मिक्स करके बेचने वाले और भावना को पुष्ट करने के बजाय कामना को पुष्ट करने वाले, वो भी कुंद कुंद भगवान के पेट्रोल को बेचते हैं, लेकिन कुंद कुंद भगवान के पेट्रोल को जो बेचते हैं वो कुंद कुंद के पेट्रोल को नहीं बेचते, वो अपने मिट्टी के तेल को। तो गुरु को और गुरु के वचनों को बिगाड़ कर अपना ही अहित करते हैं और पर का भी अहित करते हैं। स्व का अहित होगा क्या नहीं होगा? और उसको किसी के वायुयान में विमान में भर दो, वो विमान धुआं छोड़ेगा क्या नहीं? तो ऐसा व्यापार करना उचित है क्या? कैसा लगता है? बड़ा पाप का, कुशील का कार्य लगता है क्या? सुशील का कार्य लगता है? कैसा लगता है? कुशील का कार्य है। जैसे ही भगवान के उस पेट्रोल को खरीद करके, ये कुंद कुंद भगवान का पेट्रोल है, लेओ लेओ लेओ, कमाई ज्यादा कर रहे हो क्या पेट्रोल बेचकर? एक दिन दुकान भी जल जाएगी, लोग आकर के आग लगा देंगे। तुम्हारे पेट्रोल में तो मिट्टी का तेल था, करोड़ों का अरबों का कीमती मेरी गाड़ी नीचे गिर गई और हम भी गए, तुम भी गए।
तुम्हारे ऊपर ही गिरी ना, तुम्हारे पेट्रोल पंप पर आकर के मेरा विमान ध्वस्त हो गया, गिर गया। क्यों गिरा? मिक्सिंग माल हमने बेचा, तो मिक्सिंग माल बेचने वाला व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं रह सकता, वो स्वयं भी नष्ट होता है और पर को भी नष्ट करता है। लेकिन पर भी नष्ट होता है तो तब नष्ट होता है जब सोचे समझे बिना माल खरीद लेता है। मैं ऐसा माल खरीदता नहीं हूं और नहीं बेचता, मैं एक नंबर का ही माल बेचता हूं और एक नंबर का माल ही क्या करता हूं, बेचता हूं। और एक नंबर माल को एक नंबर है या नहीं, मेरे लेबोरेटरी में पहले परीक्षण करता हूं। इसमें शुद्धता है या नहीं, कैसे करता हूं, मेरी लेबोरेटरी क्या है, ये टेस्ट करता हूं मैं। वो कहाँ टेस्ट करता हूँ? मैं देख लेता हूँ पेट्रोल मिक्स है, पता चल जाता है मुझे, एक क्षण भर में जान लेता हूँ कि मिक्स है, क्योंकि पहले मैं टेस्ट करता हूँ, रुचि लेता हूँ और उसमें मुझे सुख नहीं मिल रहा है, शांति नहीं मिल रही है, कुछ असमंजस सा लग रहा है कि ये है क्या। तो मैं अपनी गाड़ी को अगली दुकान पर ले जाता हूँ, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा, चलो मेरी गाड़ी ऊपर से नीचे गिर जाए तो मेरे लिए धोखा है, और मेरे लिए एक बार धोखा हो गया मैं तो ठगा गया। मैं दुनिया में किसी से ठगने वाला आत्मा नहीं हूं, न ठगाने वाला आत्मा हूं। एक सच्चे श्रावक को ऐसा ही होना चाहिए क्या नहीं? कुंद कुंद के माल को यथावत बेचना आवश्यक है क्या नहीं? आवश्यक है। यदि उसको बेचना शुरू करोगे तो तुम खुद भगवान बनोगे और सबको भी भगवान बना दोगे। सबको भगवान बना दोगे। तुम्हारे पास बनने की नहीं, बनाने की भी क्षमता है, और तुम बनाओ या नहीं बनाओ, तुम्हारे संगति में आने वाले सभी परमात्मा बनेंगे, सभी परमात्मा बनेंगे। फिल्टर्ड माल को हम सुशील कहते हैं। सुशील में कुशील का मिक्सिंग नहीं रहता है ना, सुशील है तो सुशील है, सुशील माल को ही बेचना चाहिए और सुशील बनकर बेचना चाहिए। कुशील बनकर आप बेच नहीं सकते, कोई खरीदेगा नहीं, सब चक करने वाले बैठे हैं, चक के बिना वो खरीदते नहीं, और चक के बिना खरीदने वाले जो रहते हैं वो स्वयं कुशील रूप होते हैं, और इसीलिए तो अज्ञानवश उस माल को खरीद लेते हैं। कुशील को खरीदोगे स्वयं भी डूबोगे, और उसको बेचोगे
दूसरे को भी डुबा दोगे। ऐसा रहना चाहिए एक साधु को और एक सच्चे श्रावक को। धर्म के क्षेत्र में भी क्या धन कमाने के समान कुशील से कमाना और कुशील को देना अनिवार्य है? कुशील को बांटना और कुशील में जीवन जीना अनिवार्य है? नहीं है ना, तो इसका ऑपरेशन हम नहीं कर सकते। ये ऑपरेशन करने वाला करता तो आप स्वयं हैं। ऐसे गलती से, भूल से, अज्ञान से, ना समझ होकर, नादान बनकर यदि हम कुशील सेवन कर रहे हैं और बांट रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, उसके ऊपर रोकथाम करने वाला स्वयं आत्मा है और वही कर्ता धर्ता हो सकता है। उसका जो निर्णय होता है वैसा मार्ग बनता है। आप कुशील का मार्ग खोलोगे, आत्मा कुशील बनेगा। सुशील का मार्ग खोलोगे, आत्मा सुशील बनेगा। और आज का दिन तो हाईएस्ट दिन है। आज का दिन ऐसा दिन जो केवल घी की बात करता है, दूध, छाछ और मक्खन की बात नहीं करता। अंतिम सार है, अंतिम निचोड़ है। उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव शौच सत्य संयम तप त्याग आकिंचन को निचोड़ के देखोगे क्या गिरेगा। फिल्टर्ड, फिल्टर्ड क्या गिरेगा? फिल्टर्ड पेट्रोल गिरेगा, या तो यूं कह दो फिल्टर्ड दूध गिरेगा, गिर गाय का दूध, और उसका घी वो गिरेगा। स्वास्थ्य को प्रदान करने वाला घी निचोड़ने से भीतर से आया, दूध को निचोड़ा तो दही और छाछ उपलब्ध हुआ, उन दोनों को निचोड़ा तो मक्खन उपलब्ध हुआ, उसको भी निचोड़ दिया तो घी उपलब्ध हुआ। आज घी का दिवस है, आज मक्खन का दिवस नहीं। शेष दिवस जो हैं वो हो सकता है पहला दिन दूध का हो, दूसरा दिन दही का हो, तीसरा दिन छाछ का हो, ये अलग थे। उत्तम ब्रह्मचर्य के व्याख्यान को छोड़कर बाकी व्याख्यान आपने जो सुना वो दूध की तरह थे, दही की तरह थे, छाछ की तरह थे और मक्खन की तरह थे। हम उनसे परिचित हो गए 9 दिन में, हम उनसे परिचित हो गए 9 दिन में, लेकिन 10वें दिन में घी का परिचय मिल रहा है। ये घी आसानी से उपलब्ध नहीं होता, इसके लिए त्याग, तपस्या, संयम, अपनी आत्मा के प्रत्येक समय के क्रियाकलापों को फिल्टर्ड करते 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 हमको 13 सीढ़ियां चढ़नी पड़ेगी गुणस्थानों की। भगवान कहते हैं कि तुम 13 भी चढ़ोगे तो घी नहीं मिलेगा। 14वां भी चढ़ना पड़ेगा,
तब शुद्ध सुगंधित प्रक्रिया से घी बनाया गया है ना, शुद्ध भी हो सुगंधित भी हो। कभी कभी क्या होता है, हम गिर के गाय को घर में ला कर के उसको घी के रूप में पाते तो हैं, लेकिन जल्दबाजी होती है हमारे पास। घी तो उपलब्ध होता है लेकिन सुगंधी उसमें नहीं रहती। पहले लोग घर में घी तपाते थे तो रास्ते पर जाने वाले राहगीरों को इस घर में क्या कार्य चल रहा है पता चल जाता था, उसकी सुगंध खिड़कियों से पार होकर बाहर जाती थी। जैसे आज आप लोग भोजन बनाते हैं तो चटक मटक भोजन बनता है, और खिड़कियों से क्या, खिड़की बंद भी हो तो कहीं से कहीं सूक्ष्म दरवाजे से निकल करके वो बाहर जाता है। चटक मटक क्या दिया जा रहा है भोजन को, मसाला मिक्स करके गर्म किया जा रहा है, और उसको रोके नहीं रुक सकती, उसकी गंध बाहर निकल जाती है। और लोग कहते हैं यहाँ पर भोजन बन रहा है और उसमें क्या क्या डाला गया है अंदाज लगा लेते हैं, इसमें प्याज भी डाला था क्या नहीं आपने, हाँ प्याज भी मिक्स किया था। तो मैंने पहले से ही कहा था, लिस्ट बनाया था, ये वस्तु उसमें थे हैं होना पड़ेगा, और जाकर के पूछ लो तो जितने मसाले सामान उसमें डाले गए थे घ्राणेन्द्रिय ने दूसरे को समझा दिया, घ्राणेन्द्रिय के ज्ञान ने दूसरे को समझा दिया और उसको सुन लिया, अरे मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं तो स्वच्छ करके आया हूं और इसको कैसे समझ में आ गया। तो देखो तुमको समझ में नहीं आ रहा है क्या, क्या क्या डाला होगा, वो कहता है नहीं मुझे तो समझ में ही नहीं आता। क्यों यार नहीं आ रहा है, जुकाम तो नहीं हुआ, हाँ जुकाम तो हुआ है। तो ये बीच में अंतराय कर्म डालने के लिए आया है। हमारे आत्मा के पास जानने देखने की क्षमता है, लेकिन ये बीच में जो जुकाम आया, उन्होंने वस्तुओं को पहचानने की जो क्षौक्षम शक्ति थी लेप बन करके बैठा है, इसलिए गंध समझ में नहीं आई। उन्होंने कहा चार दिन बाद देख लेना, आपको इसी रास्ते से हम और आप चलेंगे, आप भी बता दो कौन कौन से मसाले सामान उस तेल में डालकर भोजन पकाया जा रहा है, आप भी देखो और मैं भी देखता हूँ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, और समझने के साथ साथ आनंद भी आ रहा है कि नहीं आ रहा, नहीं तो आपको जुकाम है या नहीं है ये शंका होगी मेरे मन में। आपको प्रवचन समझ में नहीं आ रहा है तो जुकाम हो गया है इसलिए समझ में नहीं आ रहा है। कान भी शब्दों के अर्थ और शब्दों के अर्थ को समझकर भावों को ग्रहण करने की क्षमता यदि किसी क्षौक्षम ज्ञान के भीतर नहीं है तो वहां जुकाम है, रोग है, उसको ठीक करना पड़ेगा। और जुकाम एक ऐसा रोग है उस पर कोई भी औषधि चल नहीं सकती। सभी रोग ठीक होंगे लेकिन ये जुकाम ठीक नहीं होता। आया है तो भगाओ देखेंगे, एक घंटे में भगा के दिखाओ, और ऐसी दुनिया में औषधि हो उसको ले आओ, और वह औषधि यदि कार्यकारी है तो
तो उस औषधि को इसी क्षण ले लो, एक घंटे के बाद बिल्कुल जुकाम नहीं रहना चाहिए। बताओ ऐसी कोई औषधि है? और इसलिए जुकाम जितने दिनों में ठीक होना है उतने ही दिनों में ठीक होता है और उतने ही दिन तक वो रहता है, और रहने के बाद भी जब ठीक होता है तो बाकी बचा कुचा और 8 दिन तक निकलता रहता है। आपने अनुभव किया है? तीव्र जुकाम का जो रोग होता है वो 3 दिन तक असर रहता है, लेकिन 3 दिन के पश्चात भी बचा कुचा हुआ शरीर में बाहर धीरे 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 जाता रहता है, आराम मिलता है 3 दिन के बाद। 3 दिन के भीतर आप उसको ठीक करना चाहते हो तो कोई उपाय नहीं, कोई औषधि नहीं, कोई तौर तरीका नहीं है उसको ठीक करने के लिए, और आविष्कार हुआ भी नहीं। ये निसर्ग का नियम है कि ऐसे रोग निसर्ग कहलाते हैं और ऐसे नैसर्गिक जो रोग होते हैं नैसर्गिक रोगों के लिए कोई औषधि नहीं होती। और यदि इस निसर्ग के साथ इस नैसर्गिक जुकाम को आप छेड़ाकानी करोगे तो सिर दर्द और होगा। 3 दिन के बाद यदि 3 दिन के भीतर छेड़ाकानी की है, बाम लगाओ वो लगाओ ये लगाओ, तो बाहर भीतर की वो जो विकार है उसको आपने दबाया, रोकथाम किया, और दबाया है तो दब जाएगा, लेकिन दब करके अगर अंदर वह सूख गया, यहां यहां सूख करके वो लॉक कर गया उन नलियों को, तो आपको आधा सिर सताएगा, आधा सिर दर्द सताएगा। महाराज जी सब आपको कैसे मालूम? मैंने उसको जिया है, मेरे को उसने बहुत समय तक सताया था, और क्यों सता रहा है इसके लिए मैंने गहरा चिंतन किया, कारण पकड़ में आ गए। मैं जब जुकाम होता है उसी समय उसी दिन से उपचार प्रारंभ करता हूँ, ये मेरी गलती है। वो तो नैसर्गिक रोग है, व्याधि है, नैसर्गिक व्याधि को आप रोकथाम करने का प्रयास करोगे, औषधि का उपयोग करोगे तो सिर दर्द एक और रोग पैदा करके निकल जाएगा, और निकलता है तो उतने दिन में ही निकलता है, वो अपने अनुसार ही चलेगा, 3 दिन में ही ढीला पड़ेगा वो। और आपने भी जी करके देखा होगा इस जुकाम को, जो जुकाम को दबाते हैं उनको सिर दर्द पैदा होता है, वो ऐसा सिर दर्द, आप ही कहते हैं जब सिर दर्द होता है तो मैं दीवार से टकराऊं ऐसा लगता है, अब दूसरा सिर हो जाएगा, ऐसा मत टकरो भाई। क्या आत्मघात करना है? क्या भावुकता में आकर के टकरा जाओगे तो दूसरी बीमारी और आयु कर्म के उदीर्ण हो जाएगी। जुकाम से तो जी सकते थे और सिर ही फूट गया तो ऑन द स्पॉट डेथ होगी। कुछ न करो, जुकाम को 3 दिन तक बहने दो, बह करके वह स्वयं अपने साथ शांति को ले आएगा, साथ में रोग नहीं लाता, वो जाता है तो आपको निरोगी बनाता हुआ निकल जाता है, उसके पीछे पीछे शांति चले, निरोग अवस्था चले, तो कैसे चलेगी? छेड़ा खानी मत करो। और आया है निकलता है तो जितना निकालोगे उतना अच्छा। आप सुशील का जीवन जियो उसके साथ, कुशील का नहीं।
दबाने का जीवन कुशील है और आया है तो मेहमान को बार 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 निकालने का प्रयास करो, स्वच्छ रखो, स्वच्छता का अभियान चलाते रहो। नहीं महाराज, हमको फुर्सत ही नहीं मिलता है, मैं इसको देखूं क्या, दुकान में बैठूं, मुझे उसको पूछने के लिए भी समय नहीं मिलता इतने व्यस्त हो, ध्यान नहीं देते हो, शरीर को रोग हुआ और आप ध्यान नहीं दे रहे, तो अज्ञानी हो, कुशील हो, तुम सुशील को प्राप्त नहीं कर सकते। जुकाम आया है, नैसर्गिक है, जा रहा है, नैसर्गिक रूप से जा रहा है, आ रहा है, नैसर्गिक रूप से आ रहा है, आपका हितैषी बन करके आया है। आप समझते हो मेरा हित मेरा बिगाड़ करने के लिए आया है, आना नहीं चाहिए तो आया है, लेकिन नहीं, जुकाम शरीर की स्वच्छता के लिए आया है। तुमने साल भर ध्यान न देते हुए जिन वस्तुओं को खाए, तुम्हारी गलती थी। शीत वस्तुओं को भी खाए, उष्ण वस्तुओं को भी खाए, गड़बड़ हो गया। ठंडे पानी पर हमने गर्म पानी पिया, दूसरे दिन शुरू हो गया जुकाम। मैंने गलत किया, मैं कुशील का जीवन जिया, अभी अभी गर्म पानी पिया था और ऊपर से ठंडा पानी पी गया, तो एक कुशील की चर्या है कि सुशील की चर्या है? ये तो कुशील की चर्या है, गलती किसकी? अपनी गलती। हम कह रहे हैं जुकाम क्यों हो गया है, मुझे नहीं होना चाहिए था, कितना अच्छा भोजन कर रहा था, सब कर रहा था, लेकिन इसमें विवेक नहीं था कि गर्म के ऊपर ठंडा भी लेना नहीं चाहिए क्या नहीं चाहिए, पता नहीं था। और हमने ठंडा पानी पिया था, बाद में याद आया। वो याद आने के बाद भी मुझे समझ में नहीं आया कि जुकाम इससे कैसे हो सकता, वो भी पानी ये भी पानी, पानी पीने से कहीं जुकाम होता है? तो ऐसा करने से तो हर दिन मुझे जुकाम होना चाहिए था। हाँ तो ठीक है ना, आपको ज्ञान कहाँ था कि गर्म के ऊपर ठंडा नहीं पीना चाहिए, ये ज्ञान नहीं था? और अज्ञान अवस्था में भी ऐसी गलती भी नहीं हो रही थी कि कभी गर्म के ऊपर ठंडा पीना होता है, नहीं पीना चाहिए, पीना चाहिए, ये भी मालूम नहीं था? आज तक आपको जुकाम नहीं हुआ, अज्ञान अवस्था में भी नहीं हुआ, तो नहीं हुआ तो नहीं हुआ, वो तो नैसर्गिक रूप से नहीं हुआ, स्वाभाविक रूप से नहीं हुआ, और जब गलती किया तो उस दिन हो गया। ऐसा हुआ करता है। हमको पर वस्तुओं का ज्ञान नहीं तो कोई ना कोई बीमारी होती रहेगी। आपके परिवार में कोई स्वस्थ नहीं, सभी बीमारी से एक एक करके जाने लगे, कोई कोरोना से गए, कोई हार्ट अटैक से गए, कोई शुगर से गए, सब जा रहे हैं। क्यों जाना पड़ रहा है ऐसा, गलती किसकी? हाँ बताओ, गलती अज्ञान की है। हमारी आत्मा हर क्षेत्र में अज्ञानी है, प्रमादी है, अलर्ट नहीं है। खाने पीने की चीजों को लेकर के भी हम कहाँ ज्ञानी हैं इतना, और फिर रोग नहीं होंगे तो कैसे होंगे? हमको ज्ञानी बनकर ज्ञान का जीवन जीना है, हर क्षेत्र में, धर्म क्षेत्र में भी,
और भौतिक क्षेत्र में भी, सांसारिक क्षेत्र में भी ज्ञान चाहिए कि नहीं चाहिए? आपको दोनों तरफ ज्ञान नहीं है। संसार में झांक करके देख लो, अज्ञानी हैं, कुशील हैं, और धर्म में विवेक से कोई कार्य कर रहे हो, विवेकपूर्ण समतापूर्ण जीवन जी रहे हो, वो भी नहीं दिखाई देता। दोनों तरफ से कुशील, हम सांसारिक जीवन को भी कुशील बनाकर जी रहे हैं। और कुशील क्या चीज है? तो यही है कि अज्ञान कुशील है और ज्ञान सुशील है। अज्ञान कुशील है, अब्रह्म है, और ज्ञान सुशील है, ब्रह्मचर्य है। ज्ञानी ही यहां ब्रह्मचारी कहलाता है, ब्रह्मचर्य व्रत उसी के पास पलता है। आपने इसको ब्रह्मचर्य समझ लिया और उसके पश्चात का कुछ समझ नहीं पाए आज तक। क्या समझा? हम दोनों पति पत्नी जाकर आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत लेकर के आए हैं। कहाँ से ले लिया? आचार्य परमेष्टि के पास जाकर ये व्रत लेकर के आए। वहीं क्यों गए? क्या उपाध्याय परमेष्टि नहीं थे? क्या निर्यापक नहीं थे? वहां क्यों गए? नहीं, जो जिस पद का निर्वाह कर रहे हैं वो उसी क्षेत्र के डॉक्टर माने जाते हैं। जिम्मेदारी यहाँ भी उतनी ही होती है और सर्टिफिकेट भी उनके पास वही होता है। गलत बता रहा हूँ? कोई डॉक्टर जिस क्षेत्र का, वो सब प्रकार के डॉक्टरों का कार्य कर सकता है? डॉक्टर कहने से तो सभी लोग डॉक्टर हैं, किंतु उसमें एक सर्जन भी है ना। तो सर्जन के पास कौन सा सर्टिफिकेट रहेगा? सर्जन तुम बनने के योग्य हो, इसका सर्टिफिकेट दिया जाएगा। उनके पास सर्टिफिकेट वो है, लेकिन डॉक्टर के नाम से तो सभी डॉक्टर हैं। तो कोई डॉक्टर ऐसा समझे, मैं भी डॉक्टर और उस भी डॉक्टर, मेरे पास भी सर्टिफिकेट है और उनके पास भी सर्टिफिकेट है, तो एक सामान्य डॉक्टर जाकर, हे सर्जन डॉक्टर इधर लाओ, ब्लेड में से मेरे पास दो, अस्त्र शस्त्र जो भी पेट फाड़ने के उपकरण है मुझे दे दो, क्या करोगे तुम? नहीं, मैं भी डॉक्टर हूँ, तुम भी डॉक्टर हो, तुम्हारा काम मैं करूंगा, तो करो। चलो ठीक है, करना ही चाहते हो, आग्रह हो तो करो, ये लो उपकरण रखता हूं, लेकिन मुझे ये बताओ पहले किससे करना? मुझे क्यों पूछ रहे हो? तुमको करना है तुम जानो, तुम्हारा कार्य जाने, मुझे क्यों पूछ रहे हैं कौन से शास्त्र से पेट को पहला चीरा जाता है? अपराधी है कि नहीं वो डॉक्टर? ऐसे निर्यापक के पास निर्यापक का ही सर्टिफिकेट होता है, आचार्य परमिष्टि के पास आचार्य परमिष्टि का ही सर्टिफिकेट रहेगा, उपाध्याय के पास उपाध्याय का रहेगा, साधु के पास साधु का रहेगा। आप लोग समझते नहीं हैं श्रावक, बहुत बड़ी गलती करते हैं। जो व्रत कहलाते हैं
व्रतों को दीक्षा कहा गया है। क्या उपाध्याय बनकर दीक्षा दोगे? क्या निर्यापक बनकर दीक्षा दोगे? सर्टिफिकेट मिल गया, आचार्य परमिष्टि ने सर्जन का सर्टिफिकेट दे दिया। मोक्ष मार्ग में एक नैसर्गिक व्यवस्था होती है और इन व्यवस्थाओं को अरहंत भगवान ने दिया है, और अरहंत भगवान ने जैसी व्यवस्था दी है वैसा कुछ करोगे को नैसर्गिक जीवन जी पाओगे। स्व का भी कल्याण होगा और पर का भी कल्याण कर पाओगे। और अरहंत भगवान के दिए गए इस व्यवस्था को ही समझ नहीं पाओगे तो बड़ा घात करोगे, स्वयं का भी करोगे और पर का भी करोगे, नुकसान खुद का भी और पर का भी। सर्टिफिकेट के बिना कार्य क्यों कर गए? ये अनैसर्गिक कार्य कुशल की कोटि में जाएगा, और भगवान के द्वारा दी गई व्यवस्थाओं को अच्छी तरह से समझकर तुम उतना ही काम करोगे तो वह सुशील की कोटि में जाएगा। कभी कभी डॉक्टर भी गलती करता है, जो अपना कार्य नहीं होता है वो स्वयं करता है, करने की योग्यता नहीं है पर स्वयं करता है। और फिर इस योग्यता को कौन समझता है, कौन सर्टिफिकेट देता है? तो कोई नहीं देता, दिए गए जो सर्टिफिकेट हैं स्वयं को ही चुन लेना पड़ता है, स्वयं को ही चुन लेना पड़ता है। सर्टिफिकेट यहाँ कोई दूसरा नहीं देता, हमारा विवेकपूर्ण ज्ञान ही हमारे लिए सर्टिफिकेट देकर, गिफ्ट देकर बड़ा बनाता है। कोई देने वाला नहीं, इधर आओ ये ले लो, नहीं। भगवान कहते हैं जो यहाँ आकर के मेरे समोशरण में गणधर बनेगा वो अपनी योग्यता से बनेगा, मैं कोई गणधर पद देने वाला नहीं हूँ, अपनी योग्यता से बनता है। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपरि ज्ञान, चार प्रकार के ज्ञानों को जिनने हासिल किया है वो क्षायोपशमिक ज्ञान की शक्ति को उत्कृष्ट ले जाने का पुरुषार्थ जिसने किया है वो स्वयं ने किया है कि दूसरे ने कराया है? कोई करा रहा है क्या? नहीं, वो स्वयं की शक्ति है। और गणधर बने तो स्वयं की शक्ति से बने। हम निर्यापक किसी को बनाना चाहे तो नहीं बना सकते, और नहीं हमारे द्वारा बनाने से वो निर्यापक सिद्ध हो सकता है। न आचार्य सिद्ध हो सकते हैं, न उपाध्याय सिद्ध हो सकते हैं। हमारे कहने से तुम उपाध्याय हो, उपाध्याय नहीं बन सकते। चाहे मैं हजार बार कहूँ और हजार बार उस उपाध्याय पद को सर्टिफिकेट के रूप में, हजार सर्टिफिकेट भी आपके लिए प्रदान करूँ, तुम उपाध्याय नहीं बन सकते। उपाध्याय बनने का कार्य आपका है, आपकी योग्यता को पहचानी जाती है, और योग्यता को अच्छी तरह से पहचानी जाती है, और पहनी दृष्टि से पहचानी जाती है, और फिर उपचार से कुछ कहा जाता है सामने वाले शिष्य को, निवेदन होता है। अब मैं रिटायर्ड होने जा रहा हूं, इसको निभाओगे क्या? किससे पूछते हैं? हर किसी से। वहाँ पर कौन बड़ा और कौन छोटा, कौन पहला और कौन बाद में, कोई महत्व नहीं रखता।
योग्यता की पहचान गुरु करते हैं और निवेदन करते हैं, और निवेदन एक शिष्य के सामने क्यों करना पड़ रहा है? इसलिए करना पड़ रहा है कि मुझे निवेदन के लिए मैं मजबूर हूँ, क्योंकि ये पद, ये सर्टिफिकेट देना लेना, जब तक ये व्यवहार रहेगा मैं निर्विकल्प नहीं रह सकूँगा। विकल्प कुशील है और निर्विकल्प सुशील है, मुझे उसमें जाना है, वह जीवन जीना है। इतने बारीक, इतने सूक्ष्म गुरु हुआ करते हैं। ये कोई भौतिक पद नहीं है, जो चुनाव के बल पर इनको हासिल किया जाए, झूठे सर्टिफिकेट हैं चुनाव के बल पर जिनको हासिल करते। वैसे तो ये परमार्थ के हैं और भी फिल्टर्ड हैं, और भी फिल्टर्ड है। वो पद तो चलेंगे तुम्हारे बल पर, किसी को तुम मंत्री बना लो और सीट पर बिठाओ और उत्सव मना लो, हम जीत गए, ये वैसे पद नहीं है। और यहाँ नकली सर्टिफिकेट चलते भी नहीं, इसलिए ध्यान रखना है परमार्थ क्षेत्र के पद लेने देने के नहीं होते, वो तो योग्यता के बल पर हासिल हुआ करते हैं, और हासिल होने के बाद गुरु उसको पहनी दृष्टि से जान लेते हैं, पहचान लेते हैं और कारोबार सौंप दे हैं। जिसके पास जो क्षमता, वो क्षमता के अनुसार ही सर्टिफिकेट दिया जाएगा और सर्टिफिकेट प्राप्त होता है। और फिर इस सर्टिफिकेट को कोई लेना नहीं चाहता योग्यता होने पर भी, तो गुरु को मजबूर होना पड़ता है कि ले नहीं रहा है और नहीं लेगा तो करेगा भी कौन ये कार्य। तो शिष्य आकर के कहता है, आपको सर्टिफिकेट प्रदान करने की मुझे कोई जरूरत नहीं है, अगर मैं योग्य हूं तो इतना ही कह दो कि मैं योग्य हूं, आप इस वजन को मेरे सिर पर मत रखना, मेरा गर्दन टेढ़ा हो जाएगा, मेरा गर्दन बिगड़ जाएगा और मेरा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, और ऐसे जबरदस्ती करोगे तो मैं नहीं लेऊंगा। मैं मुझको जानता हूं क्या हूं और क्या नहीं हूं, और आपको समझ में आ रहा होगा कि दम बहुत कुछ हो तो बहुत कुछ लगता हूं तो पुनः इंटरव्यू मेरा लेना, और यदि हूं तो कोई बात नहीं, लेकिन इसको स्वीकार करने की क्या जरूरत है? मेरे पास क्षोभशमिक है, ज्ञान है, क्षोभशम है, सब योग्यता है, सामर्थ्य है, सब कुछ है, मुझे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, मेरे पास सामर्थ्य है, सब कर लूंगा, मेरे पास अगर सामर्थ्य है तो सब कुछ कर लूंगा, आप सर्टिफिकेट देने का कृपया कोशिश न करें। शिष्य इतना उदार होता है, वो कोई भौतिक नहीं होता, परमार्थ का जीवन जीने वाला शिष्य भौतिक ख्याति, लाभ, पूजा, पद प्रतिष्ठा में अगर चला गया तो कहना बहुत दूर चला गया, धर्म को भी खोया, धर्म तत्वों को भी खोया, बहुत 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 खोना तो सब कुछ हो गया, वहां कुछ बचा ही नहीं। ये परमार्थ क्षेत्र के जो पद होते हैं, इनकी कामना होना जहर है, ये कामना से नहीं मिलते, और कामना से
मिलते यदि कहेंगे तो महावीर भगवान के शिष्य जो गौतम ही बने, और 66 दिन तक तो दिव्य ध्वनि नहीं खिरी। महावीर ये नहीं चाहते थे कि मैं किसी को बुलाकर गौतम पद को सौंप लूं, गणधर पद को। महावीर कभी ये कार्य ही नहीं करते। महावीर तो वीतरागी हैं, महावीर तो अपने आप में परिपूर्ण हैं, उनके लिए सब समझ में आता है। सब कुछ समझ में आते हुए भी देने लेने का कार्य वो करते ही नहीं, इतने परम वीतरागी हैं। और फिर दूसरा करेगा क्या? ऐसे उच्चतम गणधर पद पर, पद के स्थान पर बिठाएगा तो कोई नीचे वाले बिठाएंगे? वो डॉक्टर हैं, नीचे के डॉक्टर सर्जन हैं, और कोई दूसरे को सर्जन बनाकर ऊपर बिठाने का कोशिश कर रहे हैं? ये नीचे वालों का भी काम नहीं है। ये तो इंद्र ही जानता था। और 66 दिन तक दिव्य ध्वनि नहीं खिरी तो यही समस्या हो गई थी कि हम प्यासे भूखे बैठे हैं, भगवान अमृत नहीं बरसा रहे हैं। क्या कारण था? बरसाया हुआ अमृत बहकर सीधा किसी के पास न जाते हुए समुद्र को निकल जाएगा, समुद्र में जाके मिल जाएगा, वो धरती पर नहीं गिरेगा, ये चिंता थी। और भगवान की शब्द शब्द वाणी वाणी कभी व्यर्थ नहीं जाती, खिरती है तो एक बूंद भी नीचे गिरती नहीं है, एक बूंद भी नीचे नहीं गिरती, ऐसी खिरती। और इसलिए तो 66 दिन प्रतीक्षा करनी पड़ी कि वह योग्यता वाला आत्मा निसर्ग नियम से जो चुन करके नहीं, वो स्वयं चल करके आएगा। जब तक वह स्वयं चल करके नहीं आएगा तब तक ये वाणी अटकी रहेगी, और अटकी वाणी 66 दिन तक अटक करके रह गई। सब परेशान थे। विगत काल के 23 तीर्थंकरों के तीर्थ में जो घटना नहीं घटी थी वो भगवान महावीर के काल में घट गई। ऐसे कोई मौन नहीं थे। प्रथम दिन ही दिव्य ध्वनि खिरी, प्रथम दिन ही गणधर पद पर कोई आकर के बैठ गए। ये देने लेने लायक पद नहीं है। भगवान की वाणी को अपने क्षायोपशमिक ज्ञान के बल पर पूर्णतः जानने समझने की क्षमता है, वो गणधर पद पर निकल जाता है। और उनको समझ में आती है तो चुपचाप रहता है। किसी ने दिया क्या? नहीं। लेकिन सबने पूछा कि भगवान की वाणी अच्छी तरह से किसको समझ में आ गई? इंटरव्यू हुआ, मुझे तो समझ में आ गई, आपको नहीं, आपको नहीं, नहीं 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 नहीं, किसी को भी नहीं, गौतम को मात्र समझ में आ रही थी भगवान की वाणी। और लोगों ने कहा, आपको अगर समझ में आ रही है और मुझे समझ में नहीं आ रही है तो कृपया गणधर पद के लायक आप ही हैं। दिया नहीं किसी ने, आप ही हैं। सबने स्वीकार किया कि हमारे लिए भगवान की वाणी को तुम समझाने की कैपेसिटी रखते हैं, इसलिए भैया क्या कहा हमको, कहो ना भगवान ने क्या कहा। मैं अटक रहा हूं और आपसे पूछ रहा हूं, मुझे बेड़ा पार करो इस का उत्तर दे करके। तो जिन जिन लोगों ने जो भी पूछा, भगवान के समस्त वाणी को जानकर उनको समझाने की कैपेसिटी वहाँ केवल गौतम के पास थी, और उन्हीं के पास लोगों ने जाना शुरू कर दिया। उनको गणधर बना करके नहीं,
शंका समाधान के लिए जाना शुरू कर दिया और सबका उत्तर मिलना प्रारंभ हो गया तो गौतम गंधर के रूप में प्रतीत होने लगे। ये परमार्थ पद है, ये चुनाव से सिद्ध नहीं होते, और यदि चुनाव से ही सिद्ध होते हैं, यदि ये भ्रम है तो भ्रम सुधार आवश्यक है। ये तथ्य है और ये ऐसे तथ्यपूर्ण बातें जब तक आप चिंतनशील नहीं बनोगे पकड़ में नहीं आते, और जब तक पकड़ में नहीं आते तो आप भी अपेक्षा को लेकर बैठे रहते हैं, मुझे कौन बनाएगा, मुझे कौन सर्टिफिकेट दिएगा, कोई देने वाला भी नहीं हो तो भी हम प्रतीक्षा में रहते हैं, देगा क्या कोई। तो ये परमार्थ क्षेत्र में ऐसी कामना करना, ऐसी प्रतीक्षा में बैठना, ये भ्रमपूर्ण आशाएं हैं। हाँ, इसको भी कोई देने वाला होता है तो आशा रखो, पर देने वाला भी जानता है कि उसकी योग्यता क्या है क्या नहीं है। एक आचार्य परमेष्टि अपने शिष्य को बुलाकर ये कह रहे हैं कि मेरी जिम्मेदारी तुम निभा लो, मेरी जिम्मेदारी तुम निभा लो, ये कह रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, और कहे बिना तो, एक दूसरे में बातचीत हुए बिना तो कुछ होता नहीं। और आचार्य परमेष्टि क्यों कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि मैं जो कार्य करता हूं वो कुशील का है, इस कुशील को भी मैं आज त्याग करना चाहता हूं। ये विकल्प का काम, विकल्प कुशील है और निर्विकल्प दशा ये सुशील है, यही उत्तम ब्रह्मचर्य है। मोक्ष मार्ग में भगवान ने कहा है, मोक्ष मार्ग एक सराग भी होता है और वीतराग भी होता है। सराग मोक्ष मार्ग कुशील है और निश्चय मोक्ष मार्ग सुशील है, ये भी समझा दिया भगवान ने। राग कभी सुशील नहीं हो सकता। और मोक्ष मार्ग दो प्रकार का है ही, उसको कौन टाल सकते हैं। पर कोई भी आत्मा अपना कल्याण करना चाहता है तो कुशील को सेवन किए बिना तो सुशील को सेवन कर ही नहीं सकता। महाराज जी क्या समझा रहे हैं, सोचो समझो, गहरी गहरी बातें हैं, पकड़ में जल्दी नहीं आती, बहुत गहरी बातें हैं। मोक्ष मार्ग पर आने के भावों से आ गए, भावनाएं तो साकार हो गई, लेकिन सुशील का जीवन एकाएकी नहीं आ पाया। दीक्षा लेने का कार्य तो हो चुका है, पर सीधा हम सुशील पर नहीं गए, कुशील पर ही आ गए। अपने आप को कुशील रूप में देखना पड़ रहा है। मैं ये नहीं चाहता था लेकिन यहां क्यों आ गया, क्या निसर्ग के ये नियम है, जहां नहीं चाहता था वहां आ गया, तो यहां निसर्ग नियम लागू होता है कि आप जहां आए हैं आना ही है, और इस यहां आए बिना ऊपर तो जा नहीं सकते आप। और आप अपेक्षा कर रहे थे ऊपर का और आए नीचे, नीचे कुशील है और ऊपर सुशील है, सुशील की कक्षा में जाना चाहते थे आप डायरेक्ट, तो ये आपके नैसर्गिक नियम के विरुद्ध भाव थे, विकल्प थे, उसकी सिद्धि होगी भी तो कैसी होगी, नहीं हो सकती है ना। निसर्ग के नियमों को तोड़कर आप कुछ भी नहीं कर सकते, निसर्ग के नियमों को तोड़ोगे संकट में पड़ोगे, चिंता में प्रवेश करोगे, विकल्प में और फंसते जाओगे। नैसर्गिक नियम स्वभाव हुआ करते हैं, और स्वभाव की कोई औषधि होती है क्या,
जुकाम की कोई औषधि है, और एक घंटे में ही आप जुकाम को ठीक करके स्वास्थ्य पाना चाहते थे, वो संभव नहीं हुआ। तो यही कारण यहां पर भी है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? भैया आप क्या शूटिंग करने लगे मेरे प्रवचन में, मेरे श्रोताओं के चित्त को तुम डिस्टर्ब करने लगे, ये ठीक नहीं है। मेरे श्रोता मेरे वचनों को सुन रहे हैं और इतनी बारीकी के वचन चल रहे हैं, उनकी दृष्टि ओझल होकर तुम्हारे कैमरे पर टिक गई तो भौतिक विचार आ गए, मेरा भी फोटो आ रहा है क्या नहीं, मैं भी इसमें पकड़ में आ रहा हूँ क्या नहीं। ये बहुत जल्दी भौतिक लोगों को मन में विचार आते हैं। हाँ अब आ गया, आ गया कैमरा वाला, आ गया, मैं भी दिख रहा हूँ तो ठीक, मैं नहीं दिख रहा हूँ तो मुझे विकल्प। कितनी कितनी सारी बारीकी से बारीक भौतिक जीवन की ये परिणाम, ये कामनाएं हमारी आत्मा के भीतर घेरे घेरे छिपे हैं, इसका अध्ययन करना जरूरी है। परमार्थ ऐसा कोई सहज मार्ग नहीं कि सबको परमार्थ कहा जाए। आपके पग पग की चर्या को परमार्थ का रूप दिया जाए ये संभव नहीं है। भौतिक कामनाओं से बचो, ये धर्म क्षेत्र है। और पंचम काल में तो ये नैसर्गिक जीवन जीने के लिए ये कृतक जीवन के निमित्त बहुत बढ़ गए। कैमरा आ गया, वो आ गया, ये आ गया, आजकल धर्म इसमें फंस गया, इसमें बर्बाद हो गया। ये सब भौतिक जीवन जीने के साधन है, भौतिक कामनाओं को पूर्ण करने के साधन है, इससे अलिप्त रहना चाहिए एक धर्मात्मा को। प्रवचन सुन रहे हैं और ये विचार कदाचित आपके मन में उठ गया कि अब कैमरा वाला आ गया, अच्छा हो गया, मैं भी क्योंकि आज के दिन बैठा था, मेरा मुखड़ा भी उसमें चित्रित होना चाहिए, छपना चाहिए, आता है कि नहीं आता है? तुम धर्म से बहुत दूर हो, तुमको क्या धर्म उपलब्ध हो सकता है? भौतिकी इस परिणति को फिल्टर्ड किए बिना धर्म का जीवन जीने की पात्र भी नहीं हो आप। धर्म बहुत दूर है, जीना तो बहुत दूर है, पात्रता हासिल करो वो भी नहीं है, बहुत कठिन है धर्म के मर्म को समझना और चलना। हरेक के वश की बात नहीं है और इसी कारण से संसार सदा बहुमत में था और बहुमत में रहेगा, और मोक्ष जाने वालों की संख्या अल्पमत में था, अल्पमत में ही रहेगा। आप देखिए ना, इस प्रत्यक्ष उदाहरण है कि हम प्रवचन सुनने के लिए आए और भौतिक विचार को धारण करके ही प्रवचन सुनने के लिए बैठे, और हमने पहले से ही नियुक्त करके रखा है उनको, मैं भी आना चाहिए, मैंने इतना पैसा दिया है ना, मेरा भी ध्यान रखो। धर्म कार्यों के साथ ये अधर्म के कार्य, अनावश्यक कार्य आवश्यक समझकर यदि उस तरफ भी चित्त जा रहा है और प्रवचन भी चाहता है तो दोनों एक साथ काम नहीं होते। बहुत बड़ा बारीक है परमार्थ का जीवन जीना। प्रथम तो भौतिकी विचारों को हमें समाप्त करना चाहिए, उसके बिना धर्म की भूमिका भी नहीं बनती। धर्म जीना बहुत दूर की बात है, भूमिका में भी हम प्रवेश नहीं कर सकते, भूमिका में भी वर्जित है आपका प्रवेश। जिस कार्य को करने के लिए हम यहां धर्म सभा में आए हैं वही कार्य होना चाहिए, ये भौतिकी विचारों से अलिप्त धारणा है।
पहले मन को ठीक करना है, विचारों को ठीक करना है, और ठीक क्या करना है तो यही करना है, जिस कार्य को करने के लिए मैं जा रहा हूँ वो कार्य अच्छी तरह से संपन्न हो, एक ही ध्येय, एक ही लक्ष्य और एक ही सिद्धि, ऐसा होना चाहिए। लेकिन मन के संस्कार अनादिकाल से पड़े हैं, हम दान भी कर रहे हैं तो नाम होना चाहिए, हम प्रवचन में आएंगे तो इसलिए आएंगे कि मेरा चित्र कैमरे में छपना चाहिए और तीन लोक में घूमना चाहिए, और सिद्धों को भी पता चल जाए कि मैं प्रवचन में आया था। समझ रहे हैं? धर्म क्या है समझ में आ रहा है? कर्तव्य अकर्तव्य का बोध मिल रहा है? जो हम जी रहे हैं वो धर्म है ही नहीं, धर्म समझना भ्रम है। धर्म के कार्यों के नाम से हम धोखे में हैं, धर्म हो नहीं रहा है, धर्म घटित नहीं हो रहा है, न तो हम धर्म की भूमिका में है, धर्म तो बहुत दूर है हमसे, लेकिन उसकी भूमिका में भी आ नहीं पाए हैं, उसकी एक सीढ़ी भी नहीं चढ़ पाए हैं भूमिका की, और चढ़ेंगे भी कैसे? जब तक ये भौतिकी विचारधारा समाप्त नहीं होगी और मेरे सामने मेरे आत्म कल्याण का विषय ये कि नहीं रह जाएगा, तब तक भूमिका भी कैसी बनेगी? मैं बहुत दूर हूँ, धर्म से दूर हूँ, धर्म की उन भूमिका की समस्त सीढ़ियों से दूर हूं, मैं तो बहिरात्मा हूं। बहिरात्मा की इस धरती पर खड़ा हूं, भूमिका में भी मेरे प्रवेश आज तक थोड़ा सा भी एक सीढ़ी का भी नहीं हुआ है। बंधुओं, दान करो, धर्म करो, लेकिन आत्म कल्याण के लिए करो। भौतिकी ख्याति प्रसिद्धि दिखावा, इसको केवल शून्य बनाओ, शून्य दीपक बुझाओ, टिमटिमाता हुआ भी रखोगे तो कुछ गड़बड़ है। भौतिकता के लिए, ख्याति के लिए, लाभ के लिए कुछ ना करो, और ये कुशील है, यदि यही कुशील है। आत्मा की अब्रह्म अवस्था क्या है ये पूछो तो मैं ये तो कहूंगा यही कुशील का जीवन है और यही अब्रह्म है। ब्रह्म की सिद्धि इसके माध्यम से कैसे करोगे? परिशुद्ध परमात्मा की अवस्था तक हमको पहुंचना है, कैसे कैसे पहुंच पाओगे? भौतिकी विचारों को शून्य बनाओ। शून्य का मतलब थोड़ा भी नहीं बचाना। धर्म के लिए सबसे बड़ा जहर यदि कोई है तो ख्याति, लाभ और पूजा है। यह हमको आत्मसिद्धि की ओर ले जाने से जहर का काम करता है। हम न कभी परमात्मा बन पाएंगे, न बन सके हैं। इन विचारों को, जो भौतिकी विचार हैं, ये कषाय के उदय में आते हैं मन में। कषाय बुद्धि है, इसलिए आत्मा, आत्म साधना के लिए, आत्म कल्याण के लिए हम इतना समर्पित नहीं हैं जितना समर्पित बाहरी चकाचौंध से हैं, उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है। मेरा क्या हुआ इससे पहले तो दूसरे का क्या हो रहा है, उस ओर ज्यादा ध्यान है। मैं बिगड़ा या बना, इसकी ओर हमारे ज्यादा ख्याल नहीं है। हमको ख्याल है कौन बिगड़ रहा है, ठीक कितने लोग हैं, इसकी ओर भी ख्याल नहीं है। बिगड़ कौन रहा है, इसकी ओर ज्यादा ख्याल है।
तो ऐसा धर्म का जीवन अगर हम जी रहे हैं तो भ्रम का जीवन जी रहे हैं, वो धर्म का जीवन है नहीं। इसकी पहचान आत्मा को हुई बिना आत्मकल्याण नहीं होता, ये भगवान ने बताया है। अब इसको पचा लो या नहीं पचा लो, पचाना ही पड़ेगा। जिस दिन पचाने के लिए तैयार हो जाओगे उस दिन भगवान बनने का रास्ते का लाभ, उस मार्ग का लाभ अपने आप हो जाएगा। कोई देने वाला नहीं, न पद देता है, न प्रतिष्ठा देता है, न ख्याति देता है, न लाभ देता है। ये ख्याति लाभ प्रसिद्धि इत्यादि तो दुनिया में स्वयं होती है, इनकी कामना करनी नहीं पड़ती। जो परमात्मा है उनसे पूछो, हे भगवान, हे तीर्थंकर भगवान, आप केवल ज्ञानी बने, तीन लोक में आपकी प्रसिद्धि क्यों है? तो कहते हैं मुझे पता नहीं कि इतनी प्रसिद्धि मुझे क्यों हो रही है, पर लोग तो पहचानते हैं कि ये भगवान है। लोग ने पहचान लिया कि ये भगवान है, और पहचान लिया इसलिए भीड़ लग रही है समोसरण में। ये वास्तविक बात है कि नहीं? वास्तविक बात है क्या? नहीं। क्या लोगों ने मिलकर किसी को भगवान ठहरा कर भगवान पदवी दे करके उनके पीछे भागने लगे? भगवान बनना अपने आत्म पुरुषार्थ के बल पर हुआ है या लोगों के कारण से हुआ है? तो भगवान बनना, ये भी भगवान बनने के लिए भी तुम भगवान हो ये कहने वाला और पदवी दे करके भगवान की मान्यता बनाने वाला, ये कोई बाहर नहीं होता। भगवान तो स्वयं पहले ही कोई आत्मा बन जाता है, फिर लोगों की दृष्टि में भगवान दिखता है। भगवान बाद में दिखते हैं और लोग कहते हैं ये तो भगवान है। तो तुम्हारी पहचान ही पर्याप्त है, तुम्हारी पदवी की जरूरत वहां नहीं है। और पदवी दे करके करो भी क्या? क्या करोगे? वो क्या स्वीकार करेंगे? खुशी मनाएंगे? तुमने पदवी दे दिया, भगवान मान लिया, संतोष की बात है मेरे लिए। क्या भगवान को संतुष्टि का अनुभव होगा? उनको भगवान बनना था, अपने बल पर बनना था, स्वतंत्र वृत्ति पर, स्वतंत्र चर्या पर भगवान बनना था, और स्वतंत्र चर्या के माध्यम से ही वो भगवान बन गए। मैं कितने दिनों तक अज्ञातवास रहूंगा, भगवान कभी कहते हैं? लेकिन भगवान को ढूंढने के भाव तो अपने पास आते ही, मिले या न मिले ढूंढ करके तो देख लो। और ऐसा करोगे तो उसी कोटि में आओगे जो बिल्कुल व्यर्थ का काम है। भगवान कौन है, है भी या नहीं, पहचानने के पीछे भागोगे, तुम्हारे लिए कुछ लाभ नहीं होने वाला है। भगवान भगवान है, वो रहते ही हैं, तुमको खोजने की क्या जरूरत है? सही है ना? समझ में आ रहा? मेरे अज्ञातवास को जितना खोजोगे तुम धर्म से दूर होते जाओगे, ये भी सच है ना? और खोजने की जरूरत क्या है? भगवान गए गए, भगवान है वो तो हमारे अधीन नहीं है। मेरे को कह करके वो कहीं नहीं जाते, उनको जाना था चले गए, आना था आ गए। ये कहलाता है स्वतंत्र वृत्ति का जीवन। ये परमार्थ जीवन ही आत्मा को परमात्मा बनाता है। दुनिया से, दुनिया के वैभव से, दुनिया के भीड़ से सदा भगवान दूर रहते हैं या भगवान चिपके रहते हैं? भगवान दूर ही रहते हैं। मैं सदा सबसे दूर रहता हूँ, फिर भी मेरे पास जो आने वाले वो अपने आप आते हैं। न तो उनको भक्त बनाता हूँ,
न शिष्य बनाता हूँ, लेकिन आते हैं वो अपने हित के लिए आते होंगे, मैं इतना ही समझता हूँ। यदि मेरे से कुछ मिल रहा है तो इसलिए आते होंगे, लेके जा रहे हैं तो लेके जाते होंगे, इतना ही समझता हूँ। मैं अपने में जी रहा हूँ, जी रहा था, जी रहा हूँ, जीता रहूँगा। मैं सर्व ओर से स्वतंत्र हूँ, और ऐसे भगवान बनने से पहले भगवान की चर्या को निभा के देख रहा हूँ, प्रैक्टिस करके देख रहा हूँ, और ये प्रैक्टिस मुझे बहुत सुख दे रहा है, बहुत सुखानुभूति करा रहा है, और बहुत बड़ी प्रभावना भी हो रही है ऐसा मुझे दिख रहा है। बहुत बड़ी प्रभावना हो रही है ये भी अनुभव में आ रहा है, लेकिन मैं ये भी सोचता हूँ एक को भी मैं बुलाता नहीं हूँ और ये लोग आ कैसे रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, आखिर इनका क्या स्वार्थ है। मुझे तो इनसे एक रंच मात्र भी स्वार्थ नहीं है, और ये लोग आकर के दो दो घंटे मेरे को सुनते सुनते इनका कमर में दर्द तक नहीं होता, ऐसे क्यों बैठ रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ मिल रहा है क्या, क्या मिल रहा है आपको, क्या लाभ हो रहा है यहाँ, हाँ? ये बात आज तक नहीं मिला, और ध्यान रखना जो आज तक नहीं मिला है वो हर दिन आपको देता रहूंगा, और आपको पकड़ में आ गया तो मैं भी आपको भगवान बनने से रोक नहीं सकता, आप अपने बल पर भगवान बनोगे, यही निश्चित है, यही निसर्ग नियम है, यही निसर्ग नियम है। मत विचार करना कि भगवान अज्ञातवास कहाँ चले गए, मत सोचना, आएंगे, भरोसा रखो आएंगे, दर्शन देंगे, लाभ देंगे, देंगे, विश्वास रखो, इसी श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है। ये निर्दोष सम्यक्तु है, निर्दोष सम्यक्तु है। भगवान गए हैं तो किसी अपने कार्यवश ही गए होंगे ना, समझते हो इस बात को, भगवान क्या गलती करेंगे, गए हैं तो पर के लिए गए हैं क्या, स्वयं के लिए गए हैं, स्वयं का स्वार्थ अवश्य है, लेकिन पर के स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए भगवान गए ही नहीं, और इसलिए आपको खोजने की जरूरत नहीं है। और फिर भी विचार आता है नहीं, कभी न कभी भगवान को मैं खोज के रहूंगा, तो भगवान भगवान ही रहेंगे, तुम भगवान के पीछे भागने वाले भगवान नहीं बन पाओगे। कैमरा लेकर के भागो, कहाँ कहाँ जा रहे हैं, सैटेलाइट से कैच करो कहाँ कहाँ गए, इससे क्या होने वाला है। अगर भगवान की गलती भी पकड़ में आ गई तो क्या होने वाला है, और भगवान सद्गुणी भी हैं ये पकड़ में आ गया तो इससे क्या होने वाला है, तुमको लाभ क्या है, है लाभ। लेकिन हम ऐसे हैं कि अज्ञानी हैं, थोड़ा बहुत तो अपना अज्ञान का परिचय देने की बुद्धि तो हमारे पास जीवित रहती है, वो टिमटिमाता हुआ किसी कोने में रहता ही है वो लेकिन जरूरत नहीं है ये। भगवान के साथ ही बैठकर भगवान बनना चाहते हैं तो भगवान को भूलना पड़ता है क्या, नहीं, तुम बैठो मेरे
इर्द गिर्द कहीं भी, मैं भी सामायिक शुरू करता हूं, आप भी सामायिक शुरू करो। और टिमटिमाता कहीं दीपक को, जीरो बल्ब को जीवित रखो कि भगवान बैठ गए तो क्या कर रहे हैं, मैं बीच बीच में देखता रहूंगा, गलती तो नहीं कर रहे हैं। कौन भगवान पहले बनेंगे बताओ, किसका नुकसान होगा, उनका क्या हमारा। और नकुल सहदेव का यही हुआ, वो ऐसे ऐसे देखते रहे, मेरे से ज्यादा इनको कष्ट ज्यादा तो नहीं, देखते रहे बीच बीच में। और वो मोक्ष न जाकर के देवगति में गए और तीनों पांडव मोक्ष चले गए, क्योंकि वो देख नहीं रहे थे, जो दुनिया को भूल गए थे, अपने भाइयों को भी भूल गए थे। भाई अभी भी भाई, सहधर्मी भाई हैं, घर में भी भाई थे, सहधर्मी को भी भूल गए। सहधर्मी के न तो दोषों को खोजा, न गुणों को खोजने की कोई चिंता की। और आज हम ऐसे हैं कि दोष कैच करने के लिए कैमरे अलर्ट बना करके रखे हैं और कैच करना चाहते हैं, बताइए। ये कार्य करेंगे तो हम उनके साथ क्या मोक्ष जा पाएंगे? उनके साथ हम मोक्ष नहीं जा पाएंगे। तुम दुनिया में चर्चा करते रहोगे कि भगवान की गलती थी और वो फालतू गए थे, घूम के आए, तुम लगाते रहो टीका, कुछ फर्क नहीं पड़ता भगवान को, वो टीका भी नीचे गिर जाएगी, चिपकेगी नहीं। वो जो माथे पर लगा रहे हो ना, वो चिपकेगी क्या, नीचे गिरेगी, नीचे गिरेगी। तुम किधर से भी पकड़ लो भगवान को, भगवान ही दिखेंगे, क्योंकि वो स्वयं का कार्य करते हैं, अहित का, अनाहुत का, अनावश्यक का, कुछ भी काम नहीं करते, वही भगवान बन सकते हैं दुनिया की नजरों में। कैमरे से कैच करने वालों के नजरों में कैसे भी दिख रहे हो, लेकिन भगवान तो वही बनेंगे। बनेंगे कि नहीं बनेंगे? वही बनेंगे ना, क्योंकि दुनिया की आवश्यकता उनको नहीं है और वो दुनिया के लिए जी नहीं रहे हैं। वो प्रतिपल जो जी रहे हैं, अपने लिए जी रहे हैं, अपने लिए जा रहे हैं, अपने लिए आ रहे हैं, इसमें क्या विश्वास नहीं है, शंका है? शंका हो तो सम्यक तो कहाँ है। चलो सम्यक तो है तो ऐसे खोजने की आवश्यकता, ये आवश्यक कार्य कैसे हो सकता है? अनावश्यक कार्य भी सम्यक दृष्टि को आवश्यक हो जाए तो वो भी भगवान बनने का पात्र यहाँ नहीं है। बहुत गहरी बात है, गहरा मार्ग है, परमार्थ का मार्ग, आत्मा का मार्ग इतना सुलभ नहीं है। बहुत गहराई में जीवन होता है परमार्थ का, उस जीवन को जीना इतना आसान नहीं है। पहले तो भौतिकता से परे होना पड़ता है, सारे संबंधों को काटना पड़ता है। मुझे किसी के साथ संपर्क नहीं करना, मुझे मेरे से मतलब है, दूसरे से कोई मतलब नहीं है। उनको मतलब हो तो वो स्वार्थी बनकर यहाँ आए, मुझे उधर जाने की जरूरत नहीं। ना तो उनका नंबर आवश्यक है मेरे पास और ना परिचय आवश्यक है, न ही उनके प्रति मैं हित बुद्धि रखूं इसकी आवश्यकता है। मुझे कुछ एक की भी जरूरत नहीं, मैं शून्य हूँ।
भौतिकता से परे हूँ, भौतिक जगत के हर कार्य से ऊपर उठ चुका हूँ। मेरे लिए दुनिया की जरूरत नहीं, दुनिया के विकल्पों को पालना जरूरत नहीं, और फिर नंबर की भी क्या जरूरत। और नंबर एक लूंगा मैं तो फिर डायरी भर जाएगी मेरी, वो डायरी आवश्यक होगा। और जितना नंबर रहेंगे उतने विकल्प रहेंगे, और जितने विकल्प रहेंगे मेरे अपने समय को बर्बाद करता रहूँगा, कुशील का जीवन जीता रहूँगा, और मैं अपने शील गुण को नष्ट करता रहूँगा, कलंकित करता रहूँगा। ये मेरा अज्ञान का जीवन है, ऐसा जीवन अनादि से जिया है, अब क्या जीऊँ। जिसको जिया है उसको जीना नहीं है, जिसको जीना है उस ओर बढ़ना है। और ऐसे कोई बहुत डीप आत्मा ही चल सकता है और परमार्थ को अपने जीवन में साकार करके, उसको हासिल करके उसका सुखानुभूति कर सकता है। आत्मानुभूति होती भी है तो किसको होती है? विकल्प करने वाले आत्मा को, क्या सदा निर्विकल्प रहने वाली आत्मा को? विकल्प किसको होते हैं? बहिरात्मा को विकल्प होते हैं, अंतरात्मा को कोई विकल्प नहीं होता। अंतरात्मा का अर्थ होता है जो स्वयं का जीवन जी रहा है, स्वयं के लिए जी रहा है और दुनिया को भूल गया है, दुनिया को विकल्पों को दिमाग में लेता नहीं, सब शून्य कर दिया है, उसको अंतरात्मा कहते हैं। अंतरात्मा की पहचान भी क्या है? जो अंतरात्मा बनकर अंदर का ही काम करता है, बाहर को, बाहर के कार्यों को, बाहर के विकल्पों को शून्य बनाकर चल रहा है, मुझे उनसे कोई प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती है। जो प्रयोजनभूत तत्व है मेरे में है, उसको जगाकर पहचान कर उस रास्ते से मैं चलूँगा तो सारी समस्याओं का हल मेरे भीतर ही हैं, मेरे में ही प्राप्त होते हैं। मैं दूसरी जगह जा कर के क्यों खोजूं? मुझे तो ऐसा लगता है कि प्रवचन देना भी आत्मा के स्व समय को खोकर पर समय में एक एक दो दो घंटे तक अटकने की बात है। ये इसमें अगर मैं स्व समय का जीवन जी लेता तो दो घंटे के भीतर मैं कितनी कर्मों की निर्जरा कर जाता, मेरे व्यापार में बहुत बड़ा दो घंटे का नुकसान है, ऐसा लगता है, ऐसा लगता है। लेकिन ऐसा भी लगता है तुम जान चुके हो, पहचान चुके हो, बोलते हुए भी नहीं बोलना, चलते हुए भी नहीं चलना, खाते हुए भी नहीं खाना, देखते हुए भी नहीं देखना, जानते हुए भी नहीं जानना। इसको अगर अपनी चर्या बना लोगे तो दो घंटे के काल में भी तुम स्व समय के जीवन को जीने का वह जो अवसर है वह ओझल नहीं होगा, उसकी भूमिका आपके साथ सतत चलेगी। और कम से कम भूमिका से नीचे मत गिरो, ये करना पड़ रहा है, कर्तव्य की दृष्टि से करो, भूमिका से नीचे नहीं गिरोगे। कर्तव्य की दृष्टि से करो, भूमिका से नीचे नहीं आओगे, भूमिका में बने रहोगे। भगवान ने कहा ये कर्तव्य करना पड़ेगा, मैं कैसे बचूं भगवान की आज्ञा से? और मेरा सम्यक्त तो यही है,
मैं दो घंटे प्रवचन करूं, एक घंटे प्रवचन करूं, और वह भी स्वतंत्रता से। मैं जब तक कर रहा हूं कर रहा हूं, नहीं कर रहा हूं नहीं कर रहा हूं, आपके लिए नहीं कर रहा हूं। मैं जो करता हूं उन्हीं बातों को आपको भी करना आ सके, उन्हीं जीवन जीने की कला को, टेक्निक को दो घंटे तक दिया देने की कोई मेरी कामना नहीं है। एक घंटा ही दे दिया, ऐसे भी कोई एक घंटे के भीतर खत्म करना है, ये भी कोई टारगेट नहीं है। मैं टारगेट के बिना जी रहा हूँ। जब तक बोल रहा हूँ बोल रहा हूँ, नहीं बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा हूँ, मेरी दृष्टि गई गई, नहीं गई नहीं गई, 11 तो बज गया, 11 तो बज गया, अब दृष्टि गई, अब मैं रोकना चाहता हूँ रोकना चाहता हूँ, नहीं रोकना चाहता हूँ बोलता रहूँगा, तुम उठ के चले जाओ या आकर के बैठ जाओ, वो भी कोई मुझे विकल्प नहीं है। भगवान के दिव्य ध्वनि को ना कोई रोक सकता है, ना पाबंदी लगा सकता है। महाराज समय पर छोड़ा करो, इस बात को ना कोई उनको समझा सकता है, और समझाने वाला आ गए तो भगवान न स्वीकार कर सकते हैं। मैं तुम्हारे लिए उपदेश नहीं दे रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ दे रहा हूँ, सुनने वाले सुन रहे हैं, जाने वाले जा रहे हैं, आने वाले आ रहे हैं, वो उनके लिए नहीं, मेरा नैसर्गिक ध्वनि है ये। मैं जब तक बोल रहा हूँ बोल रहा हूँ, तुमको जितना भरना हो भर लो, भरने के बाद भी खाली करके बोरी को यहीं डाल करके जाना चाहते हो जाओ, वो तुम्हारा काम है, क्या करना क्या नहीं करना, उसमें तुम्हारा हित कितना अहित कितना ये आपका है। मैं तो अरहंत भगवान के समान ही उपदेश करूँगा। मैं मेरे लिए कोई घड़ी मत रखो, और घड़ी घड़ी की शर्त को मेरे ऊपर मत थोपो, ये घड़ी तुम्हारे लिए रहने दो, तुमको देखने के लिए रहने दो, तुम्हारा समय हो गया तुम चले जाओ, मेरा तो समय नहीं हुआ, मैं तुम्हारी बात को क्यों मान लूं। और कई लोग इसमें भव्यात्मा ऐसे हैं, वो और सुनना चाहते थे, तुमने घड़ी रख दिया तो इनका नुकसान हो जाएगा। मैं मेरा जब बंद करूँगा तब बंद करूँगा, सभी लोग चले जाना, इसके बाद भी बैठना ही चाहते हैं और जगह अच्छी लगी तो मैं मना भी नहीं करता, यहीं बैठे रहो, और निर्विकल्प बैठोगे तो अंतर मुहूर्त काल में मेरे जैसे ही नहीं मेरे से ऊपर निकल कर तुम सिद्ध परमात्मा बनोगे। धर्म की गहरी 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 जो बातें हैं वो सब सुशील की बातें हैं, जो सुशील की चर्या होती है वो सत्य चर्या होती है, नैसर्गिक चर्या होती है। ऐसे नैसर्गिक जीवन को जीने की कला का नाम है धर्म का मार्ग, सन्मार्ग का मार्ग, आत्मकल्याण का मार्ग। उस पर आस्था रखो, स्वतंत्र हो करके जियो। परतंत्रता कुशील है, बंधन में पड़ करके धर्म नहीं होता, परतंत्रता कुशील है और स्वतंत्रता ही सुशील है। सुशीलता का जीवन जीने की कला का नाम धर्म है। आज का घी तो मिल गया पूरा, आज दूध नहीं दे रहा था और न ही दही दे रहा था, न छाछ दे रहा था, न ही मक्खन हाथ में पकड़वा रहा था। वो जो आज अंतिम दिन था, घी निकला, घी ही निकला, और इसकी सुगंधि बहुत थी, इसलिए दो घंटे तक आप इस सुगंधि को छोड़कर हिल न सके, हिल न सके, और हिले नहीं है, इसलिए मैं अंदाज कर रहा हूँ इनको परिशुद्ध गिर गाय का घी मिल गया, और इसको ले जाकर यदि जीवन में प्रयोग करेंगे तो ये मेरे साथ जरूर मोक्ष जाएंगे।
आज का जो दिवस उत्तम ब्रह्मचर्य का है, ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है स्वयं के लिए जीना, स्वयं के लिए रहना, अपने लिए ही सदा कार्य करना, कार्यरत स्वयं में रहना, स्वयं के लिए रहना और स्वयं का ही जीना, स्वयं को ही देखना, स्वयं को ही पहचानना, इसका नाम है उत्तम ब्रह्मचर्य। और इसका निर्वाह एक दिगंबर मुनि ही कर सकता है। ऐसे दिगंबर मुनि को भावलिंगी मुनि कहते हैं। भावलिंगी वो चलते फिरते वीतरागी अरहंत भगवान के समान हुआ करते। पहचानोगे भावलिंगी कौन है? कैमरा लेके बैठ जाना। कैमरा लेके बैठ जाओ, उसमें पकड़ में आ गए तो पकड़ करके ले जाना, नहीं आए तो उनको वहीं छोड़ के जाना, लेकिन कैमरा को डिस्चार्ज करके ले जाना, नहीं तो कैमरा यहाँ रख करके मत जाना, क्योंकि आपके कैमरे को कहीं भगवान उठा न ले। उठाएंगे आपके कैमरा को? नहीं। उनको कैमरा भी काम में आने वाला नहीं है। और कैमरा में आ जाऊं, ये भावों का जन्म, ये विचारों का जन्म एक सेकंड के लिए भी नहीं आ सकता, नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। वो तो उत्तम सील का जीवन जी रहे हैं। उनका जीवन सील मैं ही रहेगा, सील मैं ही था, सील मैं ही है, सील मैं ही रहेगा। ऐसे भावलिंगी गुरुओं का, गुरुओं की पहचान होती है। और इसको पहचानने की क्षमता भी रखो, लेकिन उस क्षमता का दुरुपयोग मत करो। आप किसी को निंदा, गरहा, दोषावलोकन ये प्रवृत्ति मत रखो। ये करते हो तो तुम धर्म की भूमिका से भी बहुत गहराई में नीचे हो। दूसरों के खोज को देखो ही नहीं, दूसरों के दोषों का खोज करो ही नहीं। ये आवश्यक है क्या? जरा जरा वो भी आवश्यक है। पर दृष्टि, बहिरात्म दृष्टि और स्वदृष्टि, अंतरात्म दृष्टि, अंतरात्मा ही मोक्ष जाता है, परमात्मा बनता है। बहिर्दृष्टि, बहिरात्मा कभी मोक्ष की सिद्धि अपने आप में नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। समय बराबर 11:02 हुआ है। जितना पुण्य था उतना मिल गया। अब कल से मिलेगा या नहीं मिलेगा न भगवान बता सकते हैं और न ही हमारे भगवान के हाथ में है, न आपके हाथ में है। आप नैसर्ग जीवन जिए। दिव्य ध्वनि खिरी तो खिरी, नहीं खिरी संतोष। पर भगवान को मत छेड़ना। आप क्यों नहीं बता रहे हैं? आज हम टाइम देते हैं, आपको निमंत्रण करते हैं, चलो। नहीं, भगवान स्वीकार करे, अपने नैसर्गिक विचारों से आए तो उनको लाभ उठाना, नहीं आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, संतुष्ट रहना, अपने पुण्य को बढ़ाना। पुण्य के बल पर ही तो आते हैं ना। ये जो इतने अच्छे अच्छे प्रवचन सुने, ये हमारे लिए ये विचार ही नहीं था कि इतना अच्छा कुछ बोल सकूं, बोलूं, लेकिन आपके पुण्य के वजह से ये सब कुछ आ रहा है। वो आपकी देन है, ये आपकी देन है, आप का उपादान है। उस उपादान में कहीं आत्म कल्याण की बहुत तीव्र भावना है, इसलिए खिरी खिरी। और तीव्र भावना न हो तो कैसी खिरती? समोर शरण में भगवान की जो दिव्य ध्वनि खिरती है, भव्य जीवों के भाग्य के वशभूत होकर के खिरती है। वो स्वतंत्र होकर के ऐसे कभी खिरती नहीं। भवि भागन वश जो वशाय, ऐसा कहते हैं ना, वो है असली बात। नैसर्गिक जीवन आप जिए, स्वतंत्रता का जीवन आप जिए,
लोक में किसी भी असयमी जीवों के साथ बंधित होकर आप न जिए, ये धर्म की भूमिका में प्रवेश करने के लिए आपकी पात्रता है। किसी से बंधना नहीं है, अपना कल्याण करने के लिए किसी भी समुदाय के पंथ के मत के और अन्य अन्य जो कारण होते हैं भौतिकी कारण, उन कारणों से बंधोगे तो कभी मोक्ष नहीं जा सकोगे। सदा ही बंधन मुक्त रहो, बंधन मुक्त आत्मा ही धर्म का जीवन जी सकता है और धर्म की भूमिका में रह सकता है। अहिंसा परमो धर्म की जय, जय हो। उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की जय। जिनवाणी, प्रभु देव तुम्हारे पवित्र मुख से निश्रित जो शीतल वाणी जग जन मन के मल को धोती, अतः कहाती जिन वाणी। जय वंतो माँ जग में जब तक सूरज चांद रहे, शीश नवाते कर्म हरो माँ, अब तक हम विषयांध रहे, अब हम ना विषयांध रहे। जिनवाणी माता की जय। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री नागराज सगरी की पुण्य स्मृति में श्रीमती शोभा नागराज सगरी, 32 शेषाद्री रोड, आनंदाराव सर्कल, बेंगलुरु, पुत्री एवं दामाद सौभाग्यवती रेखा मोहन कुमार वनकुद्रे, श्री मोहन कुमार वनकुद्रे, पौत्री कुमारी निकिता मोहन वनकुद्रे, पौत्री एवं दामाद सौभाग्यवती रचिता श्री करण पाटिल, पुत्री एवं दामाद सौभाग्यवती प्रतिभा सदन श्री सदन कुमार, पौत्री अर्घ्या सदन, पौत्र आगम सदन बेंगलुरु, पुत्री एवं दामाद सौभाग्यवती सची देवी रवि कड़बी श्री रवि कड़बी, पौत्र माहिन रवि कड़बी, पौत्री मनस्वी रवि कड़बी बेंगलुरु, कियारा करण पाटिल।